मरकुस रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक झोले के मारे हुए को चार मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया, और वह उसके घर में भोजन करने बैठा। और बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। और शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, सो उन्होंने आकर उससे यह कहा कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बरातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? सो जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह और फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु दाख का नया रस नई मशकों में भरा जाता है। और ऐसा हुआ कि वह सप्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सप्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं? उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था? उसने क्यों कर अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी? और उसने उनसे कहा, सप्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सप्त के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सप्त के दिन का भी स्वामी है।